हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक न्यू लुक ड्रेस बनाई है युगल जोड़ी 3 नंबर कान्हा जी के लिए। ये ड्रेस है तो देखते हैं ये कैसे बनी है। आगे वीडियो में इसको कंप्लीट दिखाया गया है। और ये देखिए, पहले हमने इसमें धोती बनाई है, धोती के साथ ये चोली अटैच की हुई है। और ये हम कान्हा जी के गले में मतलब इस तरह से आ जाएगा, एक वेस्टर्न टाइप ड्रेस होगी। तो देखते हैं कैसे बनती है। तो ये देखिए गाइस, ये हमने 2 पीस लिए हुए हैं। ये 3 इंच है और इस तरह भी 3 इंच है, यानी कि 3x3 के ये हमारे पास 2 पीस है। और देखिए 2 पीस हो गए। अब इनको हम इस तरह से मतलब यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह किनारे से, और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे और बीच में मिडल पॉइंट पे हम कट लगा देंगे। थोड़ा मिडल पॉइंट हो गया, ये हमने कट लगा दिया है। एंड ये देखिए, अब हम इस तरह से रखेंगे इनको, मतलब जो सीधी साइड मतलब सीधे वाली है ना, जो वो प्लेन साइड तो आमने सामने रखनी है, और जो गोलाई दिया है वो एक दूसरे के उस साइड होने चाहिए। अब हम इसको सिलाई कर देंगे इस साइड से, यहाँ से सिलाई कर देते हैं। ऐसे ही दूसरे में भी यहाँ लगाएंगे। ये हमने देख लेना है ध्यान से कि वही एक यहाँ लगाएंगे और एक इसके नीचे की साइड लगाएंगे। जिस तरह से ये रखा है ना, इस तरह से हम यहाँ पे इनको रख के देख लेंगे। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा देती हूँ, और उल्टा सीधा भी आपको ना ध्यान से देख लेना है, आपस में इनको रख के एक बार तब देख लेना है कि हमें किस साइड से हमें सिलाई लगानी है। अगर ऐसे ही लगाएंगे तो शायद गलत हो जाएगा। मैं यहाँ से कट करके अब मैं इधर से इस साइड लगाऊंगी सिलाई। दोनों में हमें इसी तरह से लगा लेनी है। इसमें लग गई, अब यहाँ पे भी लगा लेती हूँ इसमें। ये देखिए, इसमें भी लग गई है, दोनों में लग गई। अब इनको हम इस तरह से रखेंगे, जो गोलाई वाली साइड है वो एक दूसरे के इधर रखेंगे, और ये दोनों हम यहाँ पे मिला के रखेंगे। अब देखिए यहाँ, अब दोनों को ऐसे मिला के, और हमें यहाँ पे 1 इंच तक, ये देखिए 1 इंच तक हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। जो ये होगा ना, ये धोती का आसन होगा। जो हम 1 इंच पे सिलाई लगा रहे हैं, ये धोती का आसन है। इस तरह से मैं इसको डबल सिलाई कर दूंगी। ये हो गई डबल सिलाई। अब देखिए ये खोल कर देखते हैं, और यहाँ जो मिडल पॉइंट है ना, इसके इस साइड से हम ऐसे लगाएंगे, और उस साइड से इधर को लगाएंगे, मतलब इधर से इधर को, और उधर से आमने सामने इनका फेस होना चाहिए। चुन्नटे डालेंगे और इसी तरह इधर डालेंगे, इसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी डालेंगे। 2 यहाँ पे आइए, 2 ही मिडल पॉइंट के इधर आएंगी और 2 उधर आएंगी। तो मैं ये डाल देती हूँ। ऐसे ही इस साइड डाल देते हैं। देखिए 2 ही इधर आएंगे, जो मिडल पॉइंट लिया था ना हमने, 2 उसके उस साइड हैं और 2 इस साइड हैं मिडल पॉइंट से। अब 2 इसका इनका फेस उधर को होगा। ये देखिए इस तरह से हमारी ये धोती हो गई है रेडी। इस तरह से ये हो गई, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से हमारी धोती हो जाएगी यहाँ पे रेडी। और अब हम इसके लिए एक पट्टी काट लेंगे जो हम ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, ये जैसे हो गई ये पट्टी, ये 3 इंच है और इस तरह से 1.5 है ये।
और ये मैंने काट ली, और इसके ऊपर जो है मैं लैस लगा देती हूँ, सिलाई कर देती हूँ, और यहाँ तक ही करेंगे और बाकी लैस को कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। अब इसको यहाँ मिडल में रखेंगे, जो सेंटर पॉइंट है धोती का वहाँ पे, यहाँ रख के अब हम इस पर सिलाई कर देंगे। ये कर दिया, देखिए छोटी सी धोती कितनी प्यारी लग रही है। एंड एक्स्ट्रा को कटिंग कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे, उसके लिए कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक पट्टी ली है, 8.5 है ये, और इस तरह से ये 1.3 है। अब इसको इस तरह से हम इसका मिडल पॉइंट लेंगे पट्टी का, यहाँ पे मिडल पॉइंट, और इसको भी मिडल पॉइंट, इसका मिडल पॉइंट और इसका भी मिडल पॉइंट रखेंगे आपस में। यहाँ पे मैं सिलाई लगा देती हूँ। ये यहाँ पे हो गई कंप्लीट सिलाई। ये देखिए, अब इसको हम पलट देंगे इस तरह से। देखो इसको पलटेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करके, और ऊपर से एक बार फोल्ड करके अब दोनों को आपस में फोल्ड कर देंगे, और ये हमारी वो पट्टी बन गई है जो हम पीछे बांधते हैं ना कान्हा जी को, इससे हम पीछे बांध देंगे। डोरी नहीं डाली है, मतलब डोरी की जगह मैंने ये बारीक सी पट्टी बना दी है। डोरी हो तो डोरी भी डाल सकते हो आप, और अगर डोरी ना हो तो आप ऐसे ही पट्टी भी बना सकते हो। ठीक है, इस टाइम मेरे पास डोरी नहीं थी तो मैं ये बना देती हूँ। वैसे मैं अधिकतर ये भी बनाती हूँ और डोरी भी डाल देती हूँ। आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ये मैं इसको थोड़ा डबल कर दूँगी। ये देखिए, ये धोती हो गई है रेडी, और इस तरह से हम बांध देते हैं कान्हा जी को पीछे। बड़ी प्यारी लगती है छोटी सी। अब ये देखिए, ये हमारे पास 2.2 है, और लेंथ इसकी हो गई 4.5। इससे हम चोली बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने डबल किया, एक बार और फोल्ड किया, और अब हम साइड में से यहाँ पे ये साइड में हम थोड़ी कटिंग कर देंगे। ये जैसे आर्म होल होते हैं ना, उस टाइप से हम यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग कर देंगे, और अब हम यहाँ पे फिर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने चोली अलग से नहीं बनाई है ना, इसी में अटैच किया, तो उसके लिए कटिंग किया। अब जिस शेप में हमने कटिंग किया है उसी शेप में हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे, दोनों साइड हमें ये लगानी है सिलाई। इधर भी लगा देती हूँ। ये देखिए, ये दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से, ये सीधी हो गई, और अच्छे से यहाँ से शेप सी निकाल लेते हैं थोड़ी। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ धोती के मिडल में ऐसे इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और इसको सिलाई कर देंगे। इसको हमने इसमें अटैच कर देना है। ये देखिए, मैं इसमें डबल सिलाई कर दूँगी, डबल करके मतलब पक्की हो जाएगी ये। ये हो गई डबल सिलाई। ये हो गई। अब हम गर्दन के लिए, मतलब कान्हा जी के गर्दन के लिए, इसमें जो है लूप बनाने के लिए ये पट्टी ले रहे हैं। ये पट्टी हम कर देते हैं सिलाई फोल्ड करके। देखो ये पट्टी बन गई। अब इस पट्टी को हम इसके लगा देंगे इसमें, और ये जो है ना, ये मतलब कान्हा जी के गले में डाल के, मतलब फिर ये आगे की साइड हो जाएगी ड्रेस, ये पीछे गले में डल जाएंगी। एक्स्ट्रा कटिंग कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे।
डबल कर देती हूँ यहाँ पे भी सिलाई। ये देखिए ये हो गई है सिलाई। अब हमारे पास ये, मैं कटिंग कर देती हूँ पहले एक्स्ट्रा। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा लैस बची थी ना, इसको हम इस तरह से नीडल में डालेंगे। ये देखिए मैं एक एक वो निकाल रही हूँ इसमें धागा डाल के, और इस तरह डाल के अब हम इसको खींच देंगे। ये देखिए ये एक फ्लावर सा बन गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको हम यहाँ ड्रेस के ऊपर रख देंगे और सिलाई कर देंगे। ये देखिए ये भी हमारी सिलाई हो गई है, और इस तरह से हमारी ड्रेस हो गई है कंप्लीट। आपको ड्रेस कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, एंड वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना और देखने के लिए थैंक यू सो मच।